हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर इन द इंडियन ज्योग्राफी सीरीज़। आई होप आपने पहले के लेक्चर देखे होंगे और आपको जो टॉपिक्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज़ फील फ्री टू राइट टू अस, वी विल श्योरली हेल्प यू आउट। तो इन टूडेज लेक्चर विल स्टार्ट विद सम टॉपिक्स एसोसिएटेड विद द काइंड ऑफ वेदर वी हैव। जैसा हमारा वेदर है उससे ही जुड़ी हुई जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं फिजिकली, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे पहला टॉपिक हम करेंगे सॉयल, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे वेजिटेशन कैसी होती है, फिर हम आगे कुछ लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि हमारे क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। ये सब चीज़ें जो है हमारी क्लाइमेट और रेनफॉल का जो पैटर्न है, सारा सारा जो है उसी पे ही डिपेंड करता है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडियन सॉइल्स, कौन कौन सी सॉइल्स हैं इंडिया में, कहाँ पर मिलती है, उनकी फर्टिलिटी लेवल क्या होता है, कौन कौन से क्लाइमेट में वो बेटर परफॉर्म करती हैं, उनको कौन कौन से उनमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, कौन से कम होते हैं, उसके बारे में सारा जो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ आर यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वॉच रेगुलरली, एंड दीज आर आर पेड कोर्सेज, प्लीज़ कॉन्टैक्ट फॉर एनी इन्फॉर्मेशन, विल श्योरली हेल्प यू आउट। तो बिफोर वी स्टार्ट कि कौन कौन से टाइप की सॉइल्स इंडिया में होती है, एक मैप है ये इंडिया का जिसमें सारे टाइप की सॉइल्स जो है हमें दिखाई गई है, इसको याद रखेंगे थोड़ा सा। मेजर भी थोड़ा सा याद रखेंगे कि 5 क्लासिफिकेशन है इसमें, 6। तो फॉरेस्ट तो आपके ऑब्वियसली ज़्यादातर आपके जो नॉर्दर्न इंडिया में हो गए थोड़े से, कुछ या थोड़ा वेस्टर्न घाट के में भी हायर एरियाज में जो फॉरेस्ट हो जाते हैं वो हो गए। फिर सबकी एलुवियल सॉइल हो गई, आपकी रेड एंड येलो सॉइल हो गई, आपकी ये ब्लैक सॉइल हो गई सारी। ये जो वेस्टर्न घाट्स का थोड़ा सा जो पार्ट है, ये थोड़े थोड़े जो ये ईस्टर्न घाट्स में राजस्थान में अरावली हिल्स के पास, ये आपकी हो गई लेटराइट सॉइल, और ये राजस्थान में आपकी वेस्टर्न राजस्थान में पूरा दिस इज योर एरिड सॉइल। इसके अलावा भी सलाइन सॉइल, पीटी सॉइल होती हैं, वो भी हम थोड़ा सा उसके बारे में भी पढ़ेंगे। बट मेजरली जो है इंडिया में ये 6 टाइप की सॉइल जो है हमें मिलती है। तो अब इसमें एक चीज़ देखेंगे कि थोड़ा सा इनके बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या होता है। ब्लैक सॉइल जो है आपका मेजरली डेक्कन लेवा प्लेटू में मिलती है। डेकन लेवल प्लेटू, इससे भी पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि सॉइल, फाइन सॉइल और कोर्सर सॉइल में क्या डिफरेंस होता है। फाइन सॉइल होती है, इसके पार्टिकल्स हैं बहुत क्लोजली अरेंज, रेगुलरली शेप्ड होते हैं। कोर्स सॉइल में क्या होता है, इनके जो पार्टिकल्स हैं इरेगुलर शेप के होते हैं, कोई एक फिक्स शेप नहीं होती। तो उससे क्या होता है कि फाइन सॉइल में क्या होता है कि वैसे तो इनके बीच में गैप कम है, पर इनके खुद के अंदर थोड़े छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो इनकी पोरोसिटी हाई होती है। बट परमीएबिलिटी जो है वो लो होती है। तो पोरोसिटी का मतलब क्या है कि पोर्स में पानी को होल्ड कर लेते हैं, बट क्योंकि ये बहुत क्लोजली फिटेड होते हैं, गैप इनमें बीच में बहुत कम होता है, तो पानी जो है वो नीचे परकोलेट नहीं कर पाता, नीचे की लेयर्स तक, यहाँ तक पानी नीचे परकुलेट नहीं कर पाता। तो जब इनमें हम इरीगेट करते हैं या बारिश होती है, तो इनमें जो है एकदम से वाटर लॉगिंग बहुत जल्दी हो जाती है। कोर्स सॉइल में क्या होता है, क्योंकि ये देखिए ये पास होते हुए भी इनमें गैप्स क्रिएट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये ज़्यादा टाइटली फिटेड हो, तो पानी जो है इनमें पोर्स खुद बहुत छोटे छोटे होते हैं, पानी बहुत ईजिली जो है वो नीचे परकुलेट कर जाता है। तो इसकी जो पोरोसिटी होती है और परमेबिलिटी होती है, इसकी पोरोसिटी होती है कम, परमेबिलिटी होती है ज़्यादा, इसकी पोरोसिटी होती है ज़्यादा, परमेबिलिटी होती है कम, तो इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस। तो ये चीज़ याद रखेंगे, तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे इट इज़, और ये क्ले जो होती है, क्ले सॉइल जो होती है वो ज़्यादातर इसी तरह की होती है। सैंड जो होती है वो थोड़ी सी इस टाइप की, सेकेंड टाइप की होती है, कोर्सर सॉइल होती है, बीच में आती है आपकी सिल्ट, जो दोनों का मिक्सचर होता है काइंड ऑफ। तो ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे हम एक केस से दूसरे केस में जाएंगे तो हमारी जो है टाइप ऑफ सॉइल जो है वो उसमें पोरोसिटी और परमेबिलिटी जो है चेंज होती रहेगी। तो हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है हमारी ये डेक्कन लेवा प्लेटू पे ज़्यादातर मिलती है, जो कि ज़्यादातर लावा जो था इसका, दैट वॉज द पेरेंट मटीरियल, और उसके बाद जो है इसकी फॉर्मेशन होती हुई है उससे। तो इसमें जो है आपका, तो ब्लैक सॉइल की पोरोसिटी जो है सबसे ज़्यादा होती है
और परमेबिलिटी बहुत कम होती है। तो इसीलिए ब्लैक सोयल में कहा जाता है कि जैसे ही बारिश होती है, पहली बारिश होती है सीजन की, उसके इमीडिएटली बाद इसकी प्लोइंग करना ज़रूरी है ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, क्योंकि अगर उसके बाद और बारिश हो जाए तो फिर ये वाटर लॉगिंग इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू प्लो। वो चिपक जाती है, क्लेस, जैसे आपने क्ले देखी होगी, वो चिपक जाती है और उसको फिर प्लो करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसको जैसे जैसे हम ब्लैक सॉयल एरिया से दूर जाते जाते हैं, इसकी परमेबिलिटी कम हो जाती है, सॉरी परमेबिलिटी बढ़ती जाती है, पोरोसिटी कम होती चली जाती है। फिर अब आते हैं अपने एरिड रीजन में जहाँ बिल्कुल सारा सैंड ही होता है। सैंड में बिल्कुल अलग अलग पार्टिकल्स टाइप में होते हैं जिनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़ीरो होती है, तो सारा पानी जो है नीचे सरफेस पे परकोलेट कर जाता है नीचे तक। फिर ये इसमें जो रेड और येलो सॉइल का जो आपका रीजन आता है, इसमें थोड़ी सी आपकी इट इज़ काइंड ऑफ ए मिड वे, पोरोसिटी आपकी कम होती जा रही है, परमेबिलिटी बढ़ती जा रही है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ मिड वे। जितना हम दूर जाएंगे उतना जो है ट्रांजिशन बढ़ता जाएगा। और फिर उसके बाद आता है आपका एलोवियल सॉइल, क्योंकि ये डिपॉजिटेड मटेरियल होता है ज़्यादातर ये एलोवियल सॉइल में, जो हम नदियाँ हमारी जो ऊपर माउंटेन रेंजेस से इसको बहा करके लेकर आती हैं, तो क्योंकि ये डिपॉजिटेड मटेरियल होता है तो इसमें सिल्ट कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मतलब इट इज़ अगेन अ काइंड ऑफ मिड वे बिटवीन सैंड एंड क्ले, सिल्टी सिल्टी सॉइल होती है ये, तो इट इज़ नीदर वेरी पोरस नीदर वेरी परमिएबल, इट इज़ अ मिड वे। तो ये बहुत अच्छी होती है एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स जो है बार बार रिप्लेनिश होते रहते हैं, रिवर्स आती रहती हैं और जो है न्यूट्रिएंट्स को डिपॉजिट करती रहती हैं। तो विल सी वन बाय वन कि ये कौन कौन सी जो आपकी सॉइल्स हैं इसमें क्या इनके फीचर्स हैं। तो दीज आर ऑल्सो नोन एज द ब्लैक कॉटन सॉइल बिकॉज ऑफ कॉटन कल्टिवेशन विच इज़ वेरी एक्सटेंसिवली डन ऑन दिस एंड और दी रेगोर सॉइल, इसको रेगोर सॉइल भी कहते हैं। पेरेंट मटेरियल इजिली वेदर्ड रॉक्स, जो कि रॉक्स जो बहुत इजिली वेदर हो जाए, जैसे कि आपका डेकन लावा प्लेटू पे जो लावा था उसकी रॉक्स जो बनी हुई थी वो बहुत इजिली आपका वेदर हो जाता है। देन इसमें एक्सट्रीम डिग्री ऑफ मॉइस्चर रिटेंटिवनेस, जैसे मैंने आपको बोला कि पोरोसिटी ज़्यादा होती है, तो एक्सट्रीम डिग्री ऑफ मॉइस्चर रिटेंटिवनेस ड्यू टू हाई क्ले फैक्टर एंड फाइन टेक्सचर, बहुत फाइन टेक्सचर होता है इसका, कोर्स टेक्सचर नहीं होता है, हाई पोरोसिटी एंड लेस परमेबिलिटी, ये पॉइंट मैंने आपको जो बताया था। देन कॉज वाटर लॉगिंग ड्यूरिंग रेन एंड मस्ट बी प्लोड एज सून एज द फर्स्ट रेन फॉल्स और एल्स इट बिकम्स स्टिकी एंड डिफिकल्ट टू प्लो, ये भी मैं बता चुका हूँ कि डिफिकल्ट टू प्लो हो जाती है जैसे ही हम उस पर ज़्यादा ज़्यादा रेन हो जाती है अगर उसको हम प्लो ना करें। नॉट सुटेड फॉर हैवी इरीगेशन एंड वेट क्रॉप, जैसे मैंने बताया कि हैवी इरीगेशन और वेट क्रॉप्स के लिए सुटेड नहीं, कि भैया कि एक्चुअली वाटर लॉगिंग हो जाती है, पानी नीचे जाता ही नहीं है इसमें, तो इसीलिए। बट यह है कि क्योंकि हमारी नीड्स हैं तो कर्नाटका महाराष्ट्र रीजन में फिर भी हम शुगर केन की इसमें प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि वहाँ पे सैलिनिटी वाटर लॉगिंग का इशू हो रहा है, सुटेबल नहीं है क्रॉप, हम अगेंस्ट दैट फिर भी हम उसमें जो है प्लोइंग शुगर केन की जो प्रोडक्शन है वो करते जा रहे हैं, उसे प्रोन टू सैलिनिटी, क्योंकि क्या होता है कि इसमें जिन एक इस सॉयल का एक कॉलम है इसे पानी इकट्ठा हो गया, फिर उसके बाद जब नीचे जो सॉल्ट डिपॉजिटेड हैं वो सब कैपिलरी रिएक्शन से ऊपर आके डिपॉजिट हो जाते हैं, तो ये सॉइल जो है सलाइन हो जाती है। ये प्रॉब्लम जो हमें पंजाब हरियाणा रीजन में भी देखने को मिलती है, इतनी एक्सटेंसिव इरीगेशन करते हैं हम लोग यहाँ पे, इतनी ज़्यादा करते हैं कि जब पानी वो नीचे जाता है थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि जब सनलाइट होती है, सनलाइट के कारण इवेपोरेशन होनी स्टार्ट होती है और पानी नीचे से ऊपर आता है, तो कैपिलरी रिएक्शन के पानी जब साथ ऊपर आता है कैपिलरी रिएक्शन से जो सॉल्ट्स होते हैं वो भी ऊपर आ जाते हैं, तो सॉल्ट तो वो सरफेस पे रह जाते हैं सारे डिपॉजिटेड होके और पानी जो है इवेपोरेट हो जाता है, तो सॉल्ट आपके पूरी तरीके से सलाइन हो जाती है और उस पर इरीगेशन जो है फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। ड्राई सीजन्स में इसमें क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक साइज की, ड्राई सीजन्स में इसमें बहुत बड़े बड़े क्रैक्स हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े क्रैक्स हो जाते हैं ऐसे, तो उसके बीच में इट इज़ वेरी गुड फॉर इट नेचुरल, इसमें एक फैक्टर है कि इसमें क्रैक्स के कारण एरिएशन इसकी जो है बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है, एयर की जो रिप्लेनिशमेंट है वो बहुत इजीली इसमें हो जाती है, तो इट इज़ डेफिशिएंट इन नाइट्रेट। ये थोड़ा सा आप याद रखें कि मेजर जो हमारी इंडिया में सॉइल्स हैं ज़्यादातर उसमें नाइट्रेट और फॉस्फेट ये ज़्यादातर उनमें डेफिशिएंट ही है, NPK हमारे तीन मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, NPK नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, तो NP तो ज़्यादातर सॉइल्स में आपके डेफिशिएंट ही होते हैं इंडिया में। इट इज़ रिच इन एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बन एंड पोटैश, पोटैश में जैसे मैंने बताया कि ये इट इज़ गुड। तो इसमें ज़्यादातर जो क्रॉप्स जो हम लगाते हैं वो लगाते हैं कॉटन, ज्वार, बाजरा, मेज़, ज़्यादातर आपके जो आपके पल्सिस होते हैं वो, फिर उसके बाद आपके शुगर केन प्रोडक्शन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हम जो है करते हैं अगर हम इसमें इरीगेशन कर सकें।
और कॉटन प्रोडक्शन तो मैंने आपको बताया, इसलिए इसका नाम कॉटन सॉइल भी पड़ा हुआ है। तो देर आर, इसी चीज़ से आपको समझ में आएगा कि देखिए कि ये आपको फैक्टर्स पता चल गया, आपको यहाँ का वेदर पता है, इस रीजन का सारा आपको वेदर पता है, ज़्यादातर क्या होता है कि इस एरिया में बारिश थोड़ी ज़्यादा होती है, यहाँ पे थोड़ी बारिश कम होती चली जाती है, सॉइल की क्वालिटीज आपको पता चल गई, तो उसी हिसाब से आपकी क्रॉपिंग पैटर्न भी यहाँ पे ज़्यादातर डिफाइन होगा, अनलेस एंटिल कुछ ह्यूमन इंटरवेंशन से जैसे इरीगेशन से हमने क्रॉपिंग पैटर्न अगेंस्ट दी नेचर नेचुरल फैक्टर्स हमने स्टार्ट कर दिया हो। जैसे कि यहाँ पे हम शुगर प्रोडक्शन जो कर रहे हैं, शुगर केन प्रोडक्शन, वो अगेंस्ट दी नेचर है कहीं ना कहीं। तो उसके बाद आती है हमारी लेटराइट सोयल। लेटराइट सोयल जो आपकी है, यहाँ हमने देखा था इट इज़ अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, और थोड़ा सा जो मेघालय प्लेटू पे है, थोड़ा सा जो आपका छोटा नागपुर प्लेटू के जो साउथ में, साउथ ईस्ट में है, यहाँ पे आपको मिलती है लेटराइट सोयल। लेटराइट सोयल की खास प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये तभी उसी जगह पे मिलती है जहाँ टेम्परेचर कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा होती है, कि टेम्परेचर और रेनफॉल कंट्रास्ट, की बारिश होगी एकदम से 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर हो गई तो थोड़े दिन के लिए बहुत गर्मी पड़ेगी, बिल्कुल बारिश नहीं होगी। तो टेम्परेचर और जो प्रेसिपिटेशन का जो गेम है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। तो उससे क्या होता है कि जो ये एकदम से मिट्टी गीली होती है और फिर एकदम से सूख जाती है बहुत ज़्यादा, तो इससे क्या होता है कि इट बिकम्स वेरी हार्ड, तो इसको लेटर बोलते हैं, लाइक ब्रिक, इसलिए इसको लेटराइट सॉइल बोलते हैं। तो दे टर्न ब्लैक आफ्टर रेन्स बिकॉज ऑफ लीचिंग। इसमें ज़्यादातर जो आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स वगैरह और आयरन ऑक्साइड्स होते हैं, सिस्क्यू ऑक्साइड्स बोलते हैं उनको, दिस आर ऑल बेसिक, ये सब जो है नीचे सरफेस पे, सॉइल की नीचे वाले सरफेसिस पे इनकी लीचिंग हो जाती है। तो इनके जो कलर्स और टॉप सरफेस पे कलर है ब्लैक हो जाता है। दे हैव लो फर्टिलिटी कंपेयर्ड विद ब्लैक एंड रेड सॉइल, सपोर्ट मोस्टली स्क्रब और पुअर वेजिटेशन, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिएंट इतनी जल्दी रिप्लेनिश हो जाते हैं, बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी जैसे ह्यूमस है आपका, आपका कोई भी पेड़ गिरा नीचे ज़मीन पे आफ्टर डाइंग, बारिश होगी वो इतनी जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा कि आसपास के जितने भी पेड़ पौधे हैं उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को खींच लेंगे। इनमें न्यूट्रिएंट्स की फाइट बहुत ज़्यादा रहती है इस एरिया में। तो आपकी जो जो आपकी सॉइल है उस पर ज़्यादा अच्छी वेजिटेशन आपको देखने को नहीं मिलती है। तो ड्राई सीजन बिंग ब्रिंग्स एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड्स टू द सर्फेस ड्यू टू कैपिलरी एक्शन विच वैन ड्राई गेट्स कॉम्पैक्टेड एंड सीमेंटेड टू फॉर्म ब्रिक लाइक लेयर्स। अब जैसे क्या कि मैंने बताया कि जब बारिश होती है तो वो नीचे चला जाते हैं आपके एल्युमिनियम और आयरन के ऑक्साइड्स, बट जब बारिश नहीं होती है तो ड्यू टू इवेपोरेशन एंड कैपिलरी एक्शन ये सारे आपके जो कंपोनेंट्स हैं ये सब ऊपर आ जाते हैं सरफेस पे आके ये बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं पत्थर की तरह, और इसीलिए इनकी जो है ब्रिक मेकिंग में यूज़ होते हैं। इट इज़ वेरी परमिएबल एंड एसिडिक बिकॉज ऑफ लीचिंग ऑफ बेसिस। जैसे मैंने बताया कि आपके बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं सारे Al2O3, Fe2O3, ये केमिस्ट्री में कभी आपने पढ़ा हो तो ये आपको ये याद होगा, दिस आर ऑल बेसिक ऑक्साइड, ये पानी के साथ मिलके ये सब नीचे लीच कर जाते हैं। तो ये जो सॉइल का जो सरफेस है इट इज़ एसिडिक और ये वेरी परमिएबल होता है इसमें, कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खुद की इसकी नहीं होती सॉइल की। तो जब जहाँ अपलैंड्स होते हैं तो वहाँ पे इट इज़ यूज फॉर टी कल्टिवेशन, जब और वैली रीजन में क्योंकि अपलैंड्स है ये पहाड़ है, यहाँ से सॉइल थोड़ा सा इरोड हो के नीचे आके डिपॉजिट हो जाएगी, एक अच्छी प्रोफाइल बन जाएगी विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स, तो यहाँ पे राइस कल्टिवेशन हम कर सकते हैं। ऊपर जो है हम यहाँ पे आपको जब हम क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ेंगे तो आपको उसमें बताएंगे कि जो वेस्टर्न घाट्स के जो हिली रीजन है उसमें वहाँ पे हम लोग जो है टी कल्टिवेशन और कॉफ़ी कल्टिवेशन करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट दी लेटराइट सॉइल। उसके बाद आता है हमारा एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल में आपका ज़्यादातर ये क्या होता है कि रिवर रिवर वैलीज के साथ जो है ट्रांसपोर्ट होके जो मैटर है, जो रिवर थोड़ा सा ओवरफ्लो करती है वो मैटर को यहाँ डिपॉजिट कर देती है अलोंग द बैंक्स। तो दीज आर मोस्टली द ट्रांसपोर्टेड सॉइल फाउंड नियर डेल्टाज एंड अलोंग साइड रिवर चैनल्स। तो इसका अगर आप मैप देखेंगे तो आपकी जो एलुवियल सॉइल है ये सारा आपका जो, या तो आपका गंगा यमुना जो प्लेन है, ये ब्रह्मपुत्र का प्लेन है आपका, और फिर जो आपके डेल्टा रीजन्स हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये इस रीजन में, और थोड़ा सा राजस्थान में जो आपकी जो छोटी छोटी रिवर्स जो राजस्थान में चलती हैं, यहाँ से जो चलती है, थोड़ा सा आपका इस रीजन में आपका लेटराइट सॉरी एलुवियल सॉइल मिलती है। तो वेरी फर्टाइल ड्यू टू हाई रिचनेस ऑफ मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर, क्योंकि रिवर जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अपने साथ लेके आती है, तो इट इज़ वेरी फर्टाइल
बट इट इज़ मोस्टली एक्सप्लोइटेड ऑल्सो. और आप ये देखेंगे कि अगर आप देखें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन प्रेशर इसी रीजन में है. आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी उठा के देखेंगे मैप को, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको उसी एरिया में मिलेगी जहाँ पे एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा है. जितनी फर्टाइल सॉइल होगी उतना ही ज़्यादा वो ओवर एक्सप्लोइटेड रीजन होगा, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन प्रेशर उसी रीजन पर होगा. तो यहाँ पे देखिए बिहार, यूपी, देन वेस्ट बंगाल, जितने भी आपके सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं सब में जो है एलुवियल सॉइल आपकी मिलती है. तो इट इज़ मोस्ट एक्सप्लोइटेड एंड इंटेंसिवली टिल्ड. नो पर्टिकुलर सॉइल प्रोफाइल एज न्यूअर सॉइल गेट्स डिपॉजिटेड रेगुलरली. सॉइल प्रोफाइल क्या होती है कि एक ये सॉइल है पूरी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसमें अलग अलग लेयर्स होती हैं. सबसे ऊपर वाली लेयर सबसे अच्छी डेवलप होती है सॉइल, इसमें पेड़ पौधे होते हैं, ह्यूमस कंटेंट होता है आपका. नीचे वाली सॉइल थोड़ा सा कम डेवलप्ड होती है, मोर क्लोजर टू ए बी सी डी, चार लेयर है अगर, मोर क्लोजर टू ए देन क्लोजर टू सी. फिर जो सी लेयर रहती है उसमें थोड़े कंकर ज़्यादा होते हैं और कुछ कुछ कंटेंट जो है सॉइल में कन्वर्ट होने लगते हैं. और डी में पूरा कंकर ही होता है, बड़े बड़े स्लैब्स होती हैं पत्थर की, जो कि अभी सॉइल जिनकी डेवलपमेंट शुरू बहुत कम लेवल पे हुई है. तो इट इज़ कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल. तो सॉइल प्रोफाइल ये प्रॉपर ज़्यादा डेवलप नहीं होती, क्योंकि क्या होता है कि हम इसमें एग्रीकल्चर बहुत करते हैं, इसको टिलिंग करते रहते हैं, इसकी मिक्सिंग करते रहते हैं इसमें, फिर ये यूज़ करते हैं, फिर इसमें थोड़ी सी इरोजन भी हो जाती है बहुत ज़्यादा रिवर के साथ न्यूट्रिएंट्स की, फिर ऊपर से नए न्यूट्रिएंट दोबारा आके डिपॉजिट हो जाते हैं रिवर के साथ. तो इट इज़ काइंड ऑफ गेटिंग रेगुलरली रिन्यूड. तो इसीलिए इसकी सॉइल प्रोफाइल जो है ज़्यादा अच्छी नहीं होती. इट इट शोज ग्रेट वेरिएशन इन कैरेक्टर फ्रॉम रीजन टू रीजन, क्योंकि ऑब्वियसली कैरेक्टर इसका वेरी करेगा ही फ्रॉम रीजन टू रीजन, क्योंकि डिपेंड करता है कि किस रीजन में रिवर ने कितना न्यूट्रिएंट्स छोड़े हैं. हर जगह पे एलुवियल सॉइल इट इट्स नॉट हैविंग सेम काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो वो डिपेंड करता है फ्रॉम रीजन टू रीजन. इट इज़ डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, जैसे मैंने बताया कि एन और पी में ज़्यादातर आपकी सॉइल जो है डेफिशिएंट ही मिलेगी नाइट्रोजन में खास तौर पे एंड ऑर्गेनिक मैटर, बट हेल्दी इन पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड एल्कलीज. तो ये थोड़ा सा इसको आपको याद करने वाला है कि कौन कौन से ऑर्गेनिक मैटर जो है इसमें मिलते हैं. इसमें राइस वीट की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होती है, शुगर केन की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होती है खासतौर पर यूपी बिहार के रीजन में, तो क्योंकि आपकी यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है. तो दिस इज़ अबाउट द एलुवियल सॉइल. देन वी कम टू द रेड एंड येलो सॉइल. तो रेड एंड येलो सॉइल क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आपका ब्लैक सॉइल का रीजन था इंडिया में, डेक्कन प्लेटू में, और ये वाला जो साउथ का पार्ट है सारा, इट इज़ रेड एंड येलो सॉइल. रेड एंड येलो सॉइल इसलिए बोलते हैं कि इसका रेड एंड येलो कलर डिपेंड करता है कि आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जो हैं यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं. दिस सॉइल इज़ बेसिक, एसिड जो है नीचे लीच कर जाते हैं ज़्यादातर, और यहाँ पे जो आपके इसके जिसके आयरन के कारण आपका रेड कलर आता है, एल्यूमिनियम के कारण येलो कलर आता है. तो जो जो भी आपका न्यूट्रिएंट ज़्यादा होगा उसके हिसाब से उसका कलर जो है चेंज होता रहेगा रेड एंड येलो कलर का. इट हैज़ लो क्ले फैक्टर एंड हाई सैंड फैक्टर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे हम ब्लैक सॉइल से दूर जाते हैं आपका क्ले फैक्टर कम हो जाएगा, सैंड फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा, परमेबिलिटी कम हो जाएगी और सॉरी पोरोसिटी कम हो जाएगी और परमिएबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी. तो लो पोरोसिटी एंड हाई परमिएबिलिटी मीन्स नाउ लो, इट इज़ लो वाटर रिटेंशन कंपेयर्ड विद द ब्लैक सॉइल, हैंस दे रिक्वायर मोर इरीगेशन. तो इनको इरीगेशन ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि वाटर अपना जो है रिटेन नहीं कर पाती. दे आर मोर कोर्सर एंड हैंस लेस प्रोन टू वेदरिंग. दे आर फ्राइबल, इजिली ब्रेकेबल. उन लोग जैसे होता है कि कुछ मिट्टी को अगर आप हाथ में लेके अगर आप इफ़ यू स्टार्ट रबिंग इट तो बिटवीन द फिंगर्स वो टूट जाएगी, उसके और छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाएंगे. क्ले के साथ ऐसा नहीं होता, क्ले चिपकी रहती है हाथ पे. तो इट इज़ इजीली ब्रेकेबल. इट इज़ डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर, लाइम, फॉस्फेट एंड मेजोरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. वो जैसे मैंने बताया कि इट इज़ डेफिशिएंट इन मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. दे आर लेस फर्टाइल कंपेयर विद ब्लैक सॉइल. ये ब्लैक सॉइल से कम फर्टाइल होती है ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें पानी जो है अपना रिटेन नहीं करते, इसमें रेगुलर इसको पानी चाहिए, फिर इसको ऑर्गेनिक जो मैटर है इसमें वो कम है, ह्यूमस कम है, नाइट्रोजन कम है, तो वो सब इसको कंटिन्यूस सप्लाई में चाहिए, क्योंकि ब्लैक सॉइल में ये चीज़ आपको कम क्वांटिटी में चाहिए. तो इसीलिए इट इज़ लेस फर्टाइल ब्लैक सॉइल के कंपेरिजन में. दे आर वेल एरिएटेड एंड रिस्पोंड वेल टू द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड इरीगेशन. तो जैसे ही इसमें हम फर्टिलाइजर और इरीगेशन डालते हैं ये बहुत अच्छी हमें क्रॉप प्रोडक्शन देती है. सो नेक्स्ट इज द एरिड सॉइल. एरिड सॉइल क्या होता है कि बिल्कुल ही सारा सैंड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आपको राजस्थान में डेजर्ट एरिया में देखने को मिलता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर कोई होता नहीं है इसमें. ऑर्गेनिक मैटर से क्या होता है कि चीज़ें इट इज़ काइंड ऑफ डीकम्पोज्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो
जो अवशेष जिसको हम बोलते हैं, जो वो डिकम्पोज हो जाते हैं, सोयल में मिक्स हो जाते हैं, तो वो ह्यूमस मटेरियल होता है, वो इट कीप्स द पार्टिकल टुगेदर, उनको जोड़ के रखता है पार्टिकल्स को। तो अब डेजर्ट एरिया में इतने ज़्यादा वेजिटेशन होती नहीं है, तो ह्यूमस मटेरियल होता नहीं है बिल्कुल भी, तो सॉयल पार्टिकल्स आर कम्प्लीटली अवे फ्रॉम ईच अदर, कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, तो पोरोसिटी इज ज़ीरो, परमेबिलिटी बहुत हाई होती है। तभी होता है कि जैसे ही अगर डेजर्ट एरिया में बारिश आ जाती है तो फ्लडिंग बहुत जल्दी होती है, क्योंकि पानी कहीं होल्ड होता ही नहीं है वहाँ पे, पानी नीचे 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 पर, जैसे अगर आपकी ये दो तीन लेयर्स हैं सॉइल की, पार्टिकल्स की, पानी नीचे आएगा, बेस पे पहुंच गया, बेस पे पहुंच के भी वो कहीं होल्ड होने के लिए तो उसके पास कोई जगह है नहीं, वो फिर जगह जगह फैल जाता है। तो अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए डेजर्ट एरिया में मोर देन एक्सपेक्टेड, तो वहाँ पे फ्लडिंग बहुत जल्दी हो जाती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। एरिड सोयल रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, दे आर जनरली सैंडी इन स्ट्रक्चर एंड सेलाइन इन नेचर। हाँ, इसमें एक सेलिनिटी इनकी ज़्यादा होती है, कुछ जगह पे तो सेलिनिटी इतनी ज़्यादा होती है कि सॉइल को थोड़ा सा इसमें जो है मतलब इवेपोरेट वगैरह करके, तो सलाइन वाटर जो है हम इसमें सॉल्ट प्रोडक्शन कर सकते हैं। इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज सॉइल, कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाई इवेपोरेटिंग द सलाइन वाटर, इतना ज़्यादा इसमें सॉल्ट कंटेंट होता है। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर एंड एक्सेलरेटेड इवेपोरेशन, दे लैक मॉइस्चर एंड ह्यूमस। जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि ड्राई क्लाइमेट है, पेड़ पौधे पहले ही नहीं होते, और जो थोड़े बहुत होते भी हैं उनकी डेथ के बाद वो इमीजिएटली इतनी जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं कि, क्योंकि फाइट है वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स के लिए, तो जितनी ज़्यादा जितनी कम वेजिटेशन है, जितनी कम सप्लाई होगी ह्यूमस की, उतनी जल्दी फिर वो अगर सप्लाई होगी वो ख़त्म भी हो जाएगी। तो दे लैक मॉइस्चर एंड ह्यूमस, नाइट्रोजन इज इनसफिशियंट एंड द फॉस्फेट कंटेंट इज़ नॉर्मल, ये मैंने बताया था नाइट्रोजन और फॉस्फेट का तो मेजरली रह गई हर एक में। एक चीज़ और होती है कि जैसे इसमें कैल्शियम कंटेंट होता है, बारिश होने पे क्या होता है कि वो बारिश के साथ नीचे जाके सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है, तो नीचे बहुत हार्ड पैंस बन जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। तो लो हॉरिजन ऑफ सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर, जिनको कंकर लेयर्स भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स, द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन बॉटम हॉरिजन रिस्ट्रिक्ट्स द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। तो जैसे मैंने आपको बताया क्या होता है कि अगर जब पानी नीचे परकुलेट करता है, क्योंकि नीचे कंकर लेयर्स हैं, तो पानी नीचे परकुलेट और नहीं कर पाता, नीचे अंडरग्राउंड वाटर में वो नहीं जा पाता, मिल पाता उसके साथ, और वो साथ के जो एरियाज हैं उसमें फैलना शुरू हो जाता है और उससे फ्लडिंग आपकी होती है। सो दीज सोयल्स आर पुअर एंड कंटेन लिटल ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें लिटल ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो इसमें ज़्यादा कोई इरीगेशन का स्कोप नहीं होता। बट हाँ, अगर इरीगेशन हम लें, जैसे आपकी इंदिरा गांधी कैनाल है, आपकी ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट राजस्थान में वो उससे इरीगेशन होती है, तो इट इज़ नाउ गुड क्रॉपिंग रीजन। तो उसके बाद हम आते हैं फॉरेस्ट सॉइल पे। फॉरेस्ट सॉइल में क्या है कि पहले तो ये फॉरेस्ट है, अब फॉरेस्ट होने के लिए आपको रेनफॉल चाहिए प्लेंटी में, यू नीड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, अच्छा कंड्यूसिव एटमोसफेयर चाहिए, हाई टेम्परेचर रहता है वहाँ पे, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है। तो उसमें क्या होता है सबसे पहले कि फॉरेस्ट में जैसे आपका आपका माउंटेन एरिया हो गए, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, यहाँ पे फॉरेस्ट हो गए, कब्चा आपके वेस्टर्न घाट्स के जो हाई हिल रेंज पे जो फॉरेस्ट हो गए, वहाँ क्या होता है कि बारिश ज़्यादा हुई, बारिश ज़्यादा होते ही, क्योंकि बहुत डेंस फॉरेस्ट है, न्यूट्रिएंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फाइट है वहाँ पे, तो जैसे ही कोई पेड़ पौधा जो कोई भी डेड होता है, इट गेट्स रेडिली डिकम्पोज, क्योंकि हाई ह्यूमिडिटी है, हाई टेम्परेचर है, वो एकदम से डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होती है सॉइल में जो, क्योंकि जो आपके ट्रीज हैं दूसरे सॉइल के अंदर, उनकी रूट्स जो है फैली रहती हैं, तो जैसे ही वो कोई छोटा पेड़ जो है यहाँ डिकम्पोज हुआ, वो न्यूट्रिएंट जो है यहाँ पे दूसरे पेड़ जो है खींच लेते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स की जो है फाइट बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपकी रहती है। तो उससे क्या होता है कि इट दीज सॉइल्स, क्योंकि कहने को यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ हैं और देखे लगेगा कि पेड़ है तो ऑब्वियसली बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, बट दीज सॉइल्स आर मेजरली डेफिशिएंट इन न्यूट्रिशन, इनमें न्यूट्रिशन बहुत कम होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। फॉरेस्ट सॉइल्स आर फॉर्म्ड इन फॉरेस्ट एरियाज वेयर सफिशियंट रेनफॉल इज अवेलेबल, जैसे कि रेनफॉल होनी चाहिए तभी फॉरेस्ट होगा वहाँ पे। द सॉइल्स वेरी इन स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर डिपेंडिंग ऑन द माउंटेन एनवायरमेंट वेयर देयर फॉर्म्ड, और माउंटेन सॉइल की बात करें तो उनका स्ट्रक्चर और टेक्सचर डिपेंड करता है कि वो कौन से एरिया में जो है बने हुए हैं। दे आर लॉमी एंड सिल्टी ऑन वैली साइड्स, अब आपकी दो साइड्स होगी, ये आपका हिल साइड है ये, और ये वैली रीजन है, वैली में यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होके नीचे आके डिपॉजिट होंगे, डिपॉजिट होंगे तो क्या होगा कि इट विल डेवलप अ गुड प्रोफाइल, और
सारा जो टॉप सॉइल है, अच्छी डेवलप सॉइल है, वो नीचे आके डिपॉजिट हो जाएगी. तो इट इज़ लोमी एंड सिल्टी ऑन द वैली साइड, और अपर स्लोप पे ये कोर्स होगी, क्योंकि ऊपर का सरफेस तो सारा नीचे बह जाएगा, थोड़ा सा जो आपका जो डीपर रीजन है वो एक्सपोज हो जाएगा अब हिल का. तो इट इज़ कोर्स ग्रेन एंड वेरी लेस डेवलप्ड ऑन अपर स्लोप्स. द सॉइल फाउंड इन लोअर वैलीज आर फर्टाइल. तो इसीलिए क्या है कि नीचे की जो सॉइल है वैली रीजन में वो फर्टाइल भी होती है. स्नो बाउंड एरियाज ऑफ हिमालय में क्या होता है कि जो आपकी वेजिटेशन होती है उसमें एसिडिक कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, और क्योंकि वो डिकम्पोज बहुत धीरे धीरे होती है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होता है, बहुत कम रेट पे वो डिकम्पोज होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो अपने एसिड जब सिक्रीट करती है सॉइल के अंदर, वो पत्ते जो होते हैं उसके पेड़ों के, तो उस एसिडिक कंटेंट के कारण जो है वहाँ पे डेग्रेडेशन होती है, वहाँ पे जो आपके जितने भी कंटेंट हैं वो सॉरी न्यूट्रिएंट्स हैं आपके जो, वो सारे डिकम्पोज हो जाते हैं. तो एसिडिक नेचर जो है ऊपर वाले स्नो बाउंड एरियाज में, हिमालयस में एसिडिक नेचर की जो सॉइल आपकी बन जाती है. तो ये जो हम आगे जब हम अगले लेक्चर में वेजिटेशन पढ़ेंगे, कैसी वेजिटेशन इंडिया में मिलती है, तो हम उस लेक्चर में जो है हम देखेंगे. उसके बाद आपके सलाइन सॉइल, सलाइन सॉइल को ऊसर सॉइल भी बोलते हैं. सबसे पहले सलाइन सॉइल एक तो आपको मिलती है उस रीजन में जहाँ बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, जैसे आपका वेस्टर्न राजस्थान, रन ऑफ कच्छ आपका हो गया, कुछ आपके वो रीजन है जहाँ पे सी तो थोड़ा जो है सी वाटर के साथ मिक्सिंग होती है हमारे डेल्टा के रीजन के आसपास, जैसे आपका सुंदरबन डेल्टा हो गया, और आपके जो ईस्टर्न कोस्ट में जितने भी डेल्टाज हैं, आपका चिली का लेक है, इट इज़ ऑल्सो सलाइन लेक, तो वहाँ पे सारे एरिया में सलाइन सॉइल मिलती है. अब सलाइन सॉइल क्या होता है कि इट इज़ अ वेरी डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम, एक बहुत स्पेशल इकोसिस्टम होता है जहाँ पे एक स्पेशल काइंड ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं. जैसे आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट है, वो आपका सुंदरबन में चिलिका लेक के आसपास बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाता है, क्योंकि वो उस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में वो अपने आप को अडेप्ट कर पाता है. तो दीज आर ऑल्सो नोन एज ऊसर सॉइल्स. सलाइन सॉइल कंटेन लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम मैगनीज एंड दस दे आर इनफर्टाइल एंड डू नॉट सपोर्ट एनी वेजिटेटिव ग्रोथ. तो भैया कि नॉर्मल वेजिटेशन वहाँ पे नहीं होती है, कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि उस तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं सिर्फ वही वहाँ पे मिलते हैं. दे हैव मोर सॉल्ट्स लार्जली बिकॉज ऑफ ड्राई क्लाइमेट एंड पुअर ड्रेनेज. दे अक्कर इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, मतलब एरिड और सेमी रीजन, वेस्टर्न राजस्थान, गल्फ ऑफ कच्छ, ये इन्हीं रीजन में मिलता है, या फिर जो वाटर लॉग्ड और स्वैम्पी एरियाज होते हैं जहाँ पे वाटर लॉगिंग कंटिन्यूसली हुई रहती है परमानेंटली. दे स्ट्रक्चर रेंजेस फ्रॉम सैंडी टू लोमी. दे लैक इन नाइट्रोजन एंड कैल्शियम, क्योंकि ये वाटर लॉगिंग होती है यहाँ पे कंटिन्यूसली, तो वाटर परकोलेट नहीं होता, तो इट इज़ काइंड ऑफ बिकॉज ऑफ सैंड टू लोमी स्ट्रक्चर. सैलाइन सॉइल्स आर मोर वाइड स्प्रेड इन द वेस्टर्न गुजरात, डेल्टाज ऑफ ईस्टर्न कोस्ट एंड सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल, मैंने सर आपको बताया पहले. इन रन ऑफ कच्छ द साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग्स, हाँ एक चीज़ होती है कि जब जैसे आपका ये आपका इंडियन लैंडमार्क है, ये गुजरात का रीजन है, जब साउथ वेस्ट मानसून की ब्रांच आपकी यहाँ पहुँचती है, तो ये सी में जो आपका सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं अपने साथ वाटर के साथ, सी पार्टिकल्स को, सॉल्ट पार्टिकल्स को यहाँ डिपॉजिट कर देती है काफ़ी हाई क्वान्टिटी में, तो यहाँ पर इसीलिए सॉल्ट प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा होती है इस एरिया में. तो सी वाटर इंट्रूजन इन डेल्टाज प्रमोट द अकरेंस ऑफ सेलाइन सॉइल, जहाँ पे एरियाज में सी वाटर की इंट्रूजन हो जाती है तो वहाँ पे जो है सेलाइन सॉइल प्रमोट होती है ग्रोथ उनकी. इन द एरियाज ऑफ इंटेंसिव कल्टीवेशन विद एक्सेसिव यूज ऑफ इरीगेशन, स्पेशली इन द एरियाज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, एक चीज़ और होने लगी है कि जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के एरियाज आपके खासतौर पर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, हरियाणा, पंजाब, यूपी, क्योंकि हम इतनी इंटेंसिव कल्टीवेशन वहाँ पे करते हैं, दो दो तीन तीन क्रॉप्स एक साल में लेते हैं, तो हमें इरीगेशन भी उसी हिसाब से करनी पड़ती है. तो उस इरीगेशन से क्या होता है कि जब वो पानी, पहले हम बहुत ज़्यादा उसमें इरीगेशन कर देते हैं, फिर वो पानी जो है वो सारा नीचे परकोलेट हो जाता है, और जब ड्राई सीजन होता है, जब हम इरीगेशन या तो बंद कर देते हैं या बारिश नहीं होती है, तो जब इवेपोरेशन होती है तो पानी सारा दोबारा ऊपर आता है, अपने साथ वो नीचे के सारे सॉल्ट कंटेंट्स वो साथ में ऊपर लाता है, और सॉल्ट कंटेंट सारा जो है सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है. तो इसीलिए होता है कि सॉल्ट होने डिपॉजिट होने से सलाइन हो जाती है सॉइल, और आपकी जो सॉइल है वो धीरे धीरे बंजर हो जाती है, इनफर्टाइल. तो इसीलिए फार्मर्स आर एडवाइज टू ऐड जिप्सम टू द सॉइल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सैलिनिटी, इसीलिए उनको फार्मर्स को जिप्सम ऐड करने के लिए बोला जाता है सॉइल में. एंड देन वे कम टू द पीटी सॉइल. पीटी सॉइल वहाँ पे उस रीजन्स में मिलती है जहाँ पे बहुत हाई ह्यूमिडिटी, हाई रेनफॉल होता है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेजिटेशन की ग्रोथ होती है, जैसे आपका वेस्टर्न घाट्स के जो लोअर रीजन्स हैं,
तो जैसे क्या होता है, दस लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेट्स इन दीज एरिया। सो पेड़ पेड़ पौधे जो आपके डाई होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा उसमें फिर रिच ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक कंटेंट सॉइल में इकट्ठा हो जाता है। तो इसमें इससे इसके कारण क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर जो है सॉइल में, इट इज़ एज हाई एज अप टू 40 to 50%। तो दिस सॉइल्स आर नॉर्मली हैवी एंड ब्लैक इन कलर, क्योंकि ऑब्वियसली वो डीकम्पोज मटेरियल उसमें काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गया, तो उसमें उसका ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दिखाई देंगी। तो इट इज़ नॉर्मली ब्लैक इन कलर एंड इट इज़ वाइडली फाउंड इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ बिहार, सदर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड एंड द कोस्टल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। इसका एक जैसा आपको मैंने बताया तराई रीजन जो होता है, ये आपका इंडिया है, ये आपका माउंटेन चेंज है, हिमालयन माउंटेन रेंज है। तो जो ये तराई रीजन जो है आपका, क्योंकि यहाँ पे आप मैंने बताया था कि रिवर्स जो है एकदम से नीचे दे डाइव डाउन द सरफेस और वो कहीं बीच में एकदम से ऊपर आती हैं और वो फ्लडेड ही रखती हैं उस रीजन, वो तराई रीजन उसको बोलते हैं। तो उस रीजन को जो जो है आपका तराई रीजन को, वहाँ पे ये इस तरह की सॉइल जो आपकी मिलती है, क्योंकि पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, वेजिटेशन भी अच्छी है लोअर हिमालयस पे, शिवालिक रीजन्स में, और पेड़ आपके काफ़ी ज़्यादा जब वो डेड होते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं और ऑर्गेनिक मैटर जो आपकी सॉइल में है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सप्लाई होता है। तो दिस इज़ द रीज़न कि उसमें 40 to 50% तक ऑर्गेनिक कंटेंट जो है इन सॉइल्स में होता है। सो दिस वॉज अबाउट द सॉइल्स ऑफ इंडिया कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ सॉइल इंडिया में मिलती है। या आप NCERT में पढ़ लेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, और आगे के जैसे जैसे लेक्चर हम पढ़ेंगे तो क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन एंड एग्रीकल्चर, ये चारों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। क्लाइमेट से सॉइल, वेजिटेशन एंड एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी इसी से ही डिसाइड होती हैं। तो जैसे जैसे हम इसमें आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी और जो है आती जाएगी इसके अंदर। तो आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर होगा, और आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ राइट इन दी कमेंट सेक्शन, वी विल श्योरली हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।